예, 막에 보자. Excuse me. पढ़ाई करो पहले. सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ाई कंप्लीट करो. पढ़ाई करने के बाद हमेशा जो करना चाहो उसके लिए मेहनत कीजिए. दिन रात मेहनत करो, खर्च करो. कोई भी चीज़ जीवन में आसान से नहीं मिलेगा. हाँ, ये तो पता भी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है. कभी कुछ सफल होगा, कभी ना सफल होगा. निराश नहीं होना चाहिए. वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, जैसे फुटबॉल की खेल में अगर आप देखें, कभी हम लोग अटैक करते हैं तो बहुत बार डिफेंस भी करना पड़ता है कि नहीं. हम लोग कभी गोल स्कोर करेंगे, कभी दूसरा वाला जो है वो गोल स्कोर करेंगे. लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई गोल स्कोर करे तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि हार के हो गया, छोड़ दो. 90 मिनट तक लड़ाई करते रहना चाहिए, है कि नहीं. कोशिश करनी चाहिए, है कि नहीं. इवन ऐसे ही होता है, फुटबॉल भी जो है, खेल जो है, स्पोर्ट्स जो है, जीवन की तरह है. फुटबॉल हमें क्या सिखाता है? हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो मैं फुटबॉल देख के आया हूँ. और अगर आप चेल्सी को देखें, मेरा फेवरेट क्लब है. ठीक है, जब मैं स्कूल में था तब से सपोर्ट कर रहा हूँ. अभी 20-25 साल से ज़्यादा हो गए. 2011 में चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग जीती थी और सब लोग को लगा था कि हम लोग आउट हो जाएंगे. लाइनल मेसी जाते हो अपने बार्सिलोना, उनके खिलाफ खेले, उन्हें भी जीते, फिर फाइनल्स में गए. ये हमारा लक्ष्य है, हम चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं तो हम जीतेंगे. तो जो कुछ भी हो, भगवान हमें जो कुछ भी दे, हम अपना बेस्ट करें. जो कोई आसानी से कोई स्टार नहीं बनता है, जो कुछ भी लोग बोल दें, जो कुछ भी आप बनना चाहो. और कुछ आपने एक्टर बनने का रास्ता क्यों चुना? क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी दोनों एक्टर थे. बचपन से हमारे घर में जो माहौल था वो फिल्मों का था. हाँ, एक क्रिएटिव सा माहौल था. अगर आप देखिए, जब मैं छोटा था, मेरे जितने भी दोस्त थे एक साथ, हम तो आपस में खेलते थे. हाँ, एक ही मोहल्ले में रहते थे. तो बड़े होते होते हम लोग बड़े हुए फिल्म की सेट पे. मेरे पिताजी जो थे, दिन रात काम करते थे, तो उन्हें मिलना था तो उसके सेट पे जाके मिलना था. तो दिन रात वो जो माहौल था हमारे घर में वो फिल्मों का था. और मुझे भी स्कूल से, जब भी मुझे या तो स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं तो स्टेज पे डाल दो तो मुझे सबसे अच्छा लगता. तो बचपन से मैं एक्टिंग करता था और यही चाहता था कि बड़े होकर भी ये करूँ. तो जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, फिर एक्टिंग में ट्रेनिंग लिया मैंने 3 साल. फिर कोशिश किया, 2-3 साल काम नहीं मिला, मेहनत करते रहे, जो कुछ भी काम मिलता था करते थे. फिर वो सफर शुरू हो गया. और कुछ We'll go to the adjacent ground. तो सब लोग उधर आ जाओ. ओके, फोटो अप सब कुछ उधर है. ओके, बाय बॉयज. चलिए चलिए चलिए, प्लीज मिस द फोटो ऑफ दैट. रवि दोस्त, टीचर ओके,
Morning, guys. What is the question? No. Great. Now? Okay, thank you. Yeah? Boys. My boy. अभिषेक Thank you guys. Sir, अरे भाई आप गाइस क्विकली अभिषेक यार राइट में सर यार राइट में Okay, thank you guys. Thanks so much. It's wonderful. Thank you. Really appreciate it. This is very special. Good afternoon. आपको भी first yeah first of all happy Diwali to all of you. I know on Diwali you all work very hard but happy Diwali. जी देखिए मैजिक बस के साथ मैं और ऐश्वर्या करीबन 8-9 साल से काम कर रहे हैं हम उनके पेट्रन्स भी हैं और उनके साथ काम करके हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जिस तरह के काम कर रहे हैं मेरा मानना है कि बहुत ही ज़रूरी है दूसरी चीज़ ये है कि चेल्सी यहाँ इंडिया में आई है मैं चेल्सी का सपोर्टर हूँ करीबन 20-25 साल से उनका सपोर्टर रहा हूँ मैं और आज वो मैजिक बस के बच्चों के साथ यहाँ खेल रहे हैं उन्हें ट्रेन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही मज़ा आया बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके Absolutely, you know, when you have clubs like Chelsea coming and organizing events like this, it gives everybody a chance to showcase their talent. Not just their talent, but it gives them a chance to play sport. Football is a great sport. It's a great teacher of life. And hopefully it'll inspire them to maybe take up sports as a profession as well. And if not, then Chelsea. Why not? Great. What? Do you follow football? If you follow football, you'll know why Chelsea. Growing up in a British boarding school, football was a part of life. Seeing Gianfranco Zola play, I became a Chelsea supporter and it's been a wonderful journey since. I think it's a great club. Abhishek, you have lost a lot of weight. No, I'm the same I was before. Okay. Thank you. All right. Thank you. Thank you, guys. Take care. Have a great year. Thank you.
No, my pleasure, my pleasure. Abhishek sir.